ओके गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड किससे ठीक हो? फ्रेंड आज का व्लॉग है मली नदी का डैम का, जो डैम दिखाने, डैम में हल्का सा पानी भी आया था, वह पानी सूख गया था, कैसा हुआ था क्या नहीं हुआ था वे व्यू दिखाएंगे। तो पहले हम जाए थे पहाड़ों के इलाके में, वहाँ से ओके सामने आप देख रहे हो ये बिल्डिंग वगैरह जा रहा है, बेरिया टाउन के करीब भी आए इधर, तो चलते हैं। ये देख रहे हो ये रोड सीधा सा पहले नहीं था यहाँ पर, अभी रोड बन रहा है, ये रोड जाएगा यहाँ से मेमगोड तक, मेमोर शहर है वहाँ पर जाएगा, यहाँ से डमरोटी पर जाता है, ये डमरोटी 8 पर, यहाँ से आगे बेरिया टाउन पर भी जाएगा। ये रोड अभी बन रहा है, तैयार नहीं हुआ है। रही बात डैम की, तो डैम आप देख सकते हो तो पीछे की तरफ है, इसका व्यू देख रहे हो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और बात रही है डैम की, देखो अब डैम में अब पानी नहीं है, जो अब आधी इस बार नदी आई थी, आधी आई थी क्योंकि यहाँ तक आई थी, बस उसके आगे नहीं जा चुकी मली नदी है, बस यहाँ डमरोटी तक पहुँची थी, उसके आगे नहीं आई थी। ये वाला डैम है, यहाँ तक आई थी। फिर हम जो जिस टाइम पर जम आते हैं वो यही टाइम है, लेकिन इस करीब में नहीं, वो सामने दिख रहे हो वहाँ से हम लोग मारते थे छलान। अब देखते हैं ये कितना बड़ा है, तो पानी पूरा देखो यहाँ तक इतने बड़ा होता है पानी, तो इसमें से हम जहाँ से खड़े होते हैं वहाँ पर तो जम मारते थे सीधा पानी के अंदर, तो पानी भी नदी का भरा होता है आप लोगों को मालूम है कितना, और यहाँ से छलान मारते हम लोग। तो फिर पीछे का लगा के देखा वहाँ पर पानी वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर आता सब पानी है मली नदी का, आप देख सकते हो। मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ आप लोग को दिखाता हूँ उसका व्यू भी। तो फ्रेंड मेरा दोस्त है, ये एक बना रहे वीडियो, हम लोग फ्रैंक कर रहे हैं जो टिकटॉक के लिए, तो ये जा रहे हैं वहाँ पर, इसने छलान मारी, अब पारों से गिर जाएगा, इसका भी वीडियो बन जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा, आपको मैं दिखाऊँगा कैसे हमने फ्रैंक किया था। और फ्रेंड मैं देखो पार के लास्ट से ऊपर से यहाँ आ रहा हूँ नीचे, तो फ्रेंड देखो यहाँ से हम नीचे आ चुके हैं, तो मली नदी का ये पानी देख सकते हो, अभी किसी काम का भी नहीं है, देख सकते हो आप लोग। और ये देखिए पानी भी देखो, तो फ्रेंड इस बार ना क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, ज़मीन ने पूरा पानी को पी लिया, चूस लिया अपने पास, क्योंकि यहाँ पर देखो कीचड़ भी लगी हुई है इसीलिए, तो पानी जितना था सारा यहाँ पर ज़्यादा पानी था, तो मैं आया नहीं था, वीडियो नहीं बनाई थी, गलती की थी, ये पूरा पानी था यहाँ तक था, लेकिन कितनी जल्दी में देखो 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर पानी ख़त्म हो गया, कैसा लग गया अब देखो, खिंचड़ लगी हुई है पानी ना, ज़मीन पी गई है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है क्या बताएं हम लोग। तो अपने हमें ना गर्मी ने यहाँ पर इतना धूप ने तंग किया हुआ है, इतनी पसीना, इतना अभी भी गर्मी हो रही है, तो हो सके यहाँ से वीडियो बना के हम जाएंगे इंजॉय करने के लिए मोटर वगैरह पर। तो फ्रेंड हमारी नदी का आज का ये व्लॉग यहाँ तक था, मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा नदी का, जब इंशाल्लाह नदी पूरी आ जाएगी तो इसके साथ हम शेयर करेंगे आपके साथ, तो जब वगैरह भी मारेंगे वो भी शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने जोखे बाय को लीजिए, अल्लाह हाफिज़।